नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुज की डाइट, क्या खाएं क्या ना खाएं में। दोस्तों, मछली को बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इसमें उच्चतम मात्रा में प्रोटीन और विटामिन डी पाया जाता है। मछली खाने वाले लोगों के शरीर में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं पाई जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 और फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। जिन लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, उन्हें डॉक्टर भी मछली का सेवन करने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं। इन्हें खाने से आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए इन मछलियों को जानना और पहचानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन मछलियों के बारे में। सबसे पहले आती है थाई मांगुर मछली। दोस्तों, ये मछली मांसाहारी होती है। ये इंसानों और जानवरों के मांस तक को खाती है। जो मछुआरे इसे पालते हैं, वो इसे मृत जानवरों का मांस खिलाते हैं, इसलिए इससे कई बीमारियों के होने का खतरा रहता है। इसीलिए भारत सरकार ने इस मछली को बैन कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मछली को बेचने पर जुर्माना भी लगा रखा है। दोस्तों, अगली मछली है कैटफिश। इस मछली की स्किन में असंतृप्त ऑयल और ओमेगा 6 अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए जो हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें तो ये मछली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगली मछली है मैकेरल फिश। इस मछली में पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मछली को अगर आप थोड़ी देर रख देते हैं, नहीं पकाते हैं, तो इसमें से बदबू आने लग जाती है और अधिक बॉडी में जाने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इस फिश को भी आप अवॉइड करें। अगली फिश आती है टूना फिश। दोस्तों, इसमें भी पारा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये फिश हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है, इसलिए इस फिश का सेवन करें, लेकिन कम मात्रा में सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी वो मछलियाँ जिन्हें आपको नहीं खाना है, इन्हें आपको अवॉइड करना है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही खास जानकारियाँ पाने और स्वस्थ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। गुरुजी की डाइट में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।